हेलो एवरीवन, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मेकअप लुक जो कि न्यूली ब्राइड्स अपने किसी भी पार्टीज़ में कर सकती हैं। तो गाइज, उसके लिए आपको चाहिए होगा पहले प्राइमर। आपको किसी भी मेकअप लुक के लिए एज अ बेस प्राइमर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए गाइज। इससे हमारे जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बनता है, हमारे पोर्स जो ओपन होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं, और एक बहुत अच्छा कैनवस मिलता है हमारे मेकअप को। ठीक है गाइज, और आपको इसको अच्छे से पहले डैब डैब मोशन में, एंड देन जो आपके हाथ पे रेस्ट बचता है उसको अपने सारे फेस पे अप्लाई करना है। फिर मैं अपना लिप बाम अप्लाई करूँगी, क्योंकि लिपस्टिक से पहले लिप बाम बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लिप्स पैची ना हो जाएं, लाइक ड्राई ना हो जाएं। उसके बाद बेस के लिए मैं यूज़ करूँगी लॉरियल मैट मैजिक का फाउंडेशन एंड मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन, और मैं इनका एक एक पी साइज अमाउंट लूँगी, और उसको मिक्स करके अच्छे से अपने पूरे फेस पे अपने फिंगर्स की हेल्प से पूरे फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी, अपनी अंडर आइज़ पे भी, अपने नेक पे भी। और फिर गाइज, आपको उसको ब्लेंड करना है। मैं पर्सनली ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, वेट ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि मुझे ब्लेंडर से ब्लेंड करना बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे जो एक्सेस जो प्रोडक्ट होता है वो आपके फेस पे ना जाके आपके स्पॉन्ज में आ जाता है, और जितना आपके फेस की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उतना ही प्रोडक्ट जाता है, जो कि बहुत बहुत ही प्लस पॉइंट है इस ब्लेंडर का, और बहुत ही अच्छी बात है। जबकि ब्रशेस से और फिंगर से ऐसा नहीं होता, बट आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर्स, और एक अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका वो सालों साल चले, और उसको वॉश करते रहना चाहिए लाइक हफ्ते में एक बार, अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन। और गाइज, आप देखिए मैं कितने अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ द की ऑफ ब्यूटीफुल मेकअप। ठीक है, तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ की, नॉट जस्ट फाउंडेशन, हर एक स्टेप में ब्लेंडिंग ज़रूर होनी चाहिए, वरना आपका फेस बहुत ही केकी एंड बहुत ही आर्टिफिशियल लगेगा। अब मैं कंसीलिंग करूँगी, कंसीलर के लिए मैंने एले प्रो का एचजी कंसीलर यूज़ करा है, एले गर्ल का आई थिंक। ठीक है, और मैं इसकी कंसीलिंग और हाइलाइटिंग करूँगी लाइक अपने अंडर आइज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बोज, अपने स्माइल जो मेरी लाफ लाइंस है, स्माइल लाइंस, और अपने जॉ लाइन पे, आप देख सकते हैं अपने फॉरहेड पे, चिन पे। और फिर मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर से जिससे मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड करा था, उसी से मैं अपना कंसीलर ब्लेंड करूँगी, जैसा आप देख सकते हैं। आप चाहें तो अपने आईज़ के लिए, इनर कॉर्नर्स के लिए एक अलग से ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो, वरना मैं तो एक ही मेरा ये ब्यूटी ब्लेंडर है, और ये एक ड्रॉप शेप में है, तो इसके जो टिप है उससे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं मैं ब्लेंडिंग पे ही फोकस कर रही हूँ। आप भी छोटा मिरर लेके उसको बिल्कुल अपने पास करके देखें कि आपका फेस आपको केकी पैची तो नहीं लग रहा। और फिर मैं अपने मैक के स्टूडियो फिक्स से अपने कंसीलिंग जहाँ जहाँ मैंने करी उसको फिक्स करूँगी, लाइक अपने अंडर आईज, अपना जॉ लाइन, नोज़, फॉरहेड, क्यूपिड्स बो, और फिर बाद में जो मेरा रेस्ट फेस बचता है उसको मैं अच्छे से पाउडर करूँगी, लाइक उसको भी सेट करूँगी, क्योंकि आपको बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है, अपने नेक को भी और अपने ईयर्स को भी। आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग। देखिए गाइस, मैं नेक को भी इंक्लूड कर रही हूँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं लूँगी एले गर्ल का ही मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, और उससे मैं अपना बेस जो है उसको फिक्स करूँगी, और फिर उसी ब्यूटी स्पॉन्ज से मैं उसको डैब डैब करूँगी बहुत ही हल्के हाथों से, और इससे मेरा जो बेस है वो फिक्स हो जाएगा, और उसके बाद मैं अपने बाकी के स्टेप्स करूँगी। अब मैं ब्राउज़ करूँगी, ब्राउज़ के लिए मैं सिवाना कलर्स की ब्राउन आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, और मैं एक ब्रश की हेल्प से पहले स्पूली से अपने ब्राउ के हेयर को कॉम करूँगी नीचे की तरफ, और फिर अपने गैप्स को फिल इन करूँगी ब्रश से। आप चाहें तो आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास ये किट थी तो मैंने इसी से अपने आईब्रोज़ को फिल करा, और क्योंकि आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट में स्पूली से अपनी आईब्रोज़ को कॉम ज़रूर करें, ताकि जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो निकल आए,
अब मैं आइज़ करूँगी, और आइज़ के लिए मैं अपने मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट यूज़ करूँगी। उसमें से मैं एक ब्राउन शेड लूँगी, क्योंकि मेरा रेड साड़ी का लुक है, तो मैं अपनी आइज़ को ब्राउनिश गोल्डन लुक दूँगी। और अब मैं ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ, एक लाइट ब्राउन शेड से उसको मैं आउट ऑफ वी पे प्लेस करके फिर उसको पूरे के पूरे आई लिड पे, आई क्रीज पे लगाऊंगी, लाइक ब्लेंड करूंगी अच्छे से। गाइस, आईज़ का जो मेकअप है उसके लिए भी ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे और यू नो दोनों आईज़ पे यू नो सेम अमाउंट का प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी आईज़ अच्छी नहीं लगेंगी। अब मैं मेरी एक लोकल ब्रांड की, मेरे ये आई शेडो पहले लाइक पूरी किट है टिंटिन की, इसमें से मैं एक रेड शेड लेके उसको मैं अपने यू नो क्रीज लाइन जो है उस पे लगा के उसको ब्लेंड करूँगी, ताकि थोड़ा सा रेडिश कलर भी आए। और गाइज, एक किट बहुत अच्छी है, ये एक ऑल ओवर किट है एक फेस मेकअप के लिए, तो मैं इसका भी आपके साथ जल्दी एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और अब मैं फिर से एक डार्क ब्राउन शेड लूँगी अपनी मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट में से, और फिर अपने आउटर वी पे डार्क ब्राउन शेड को अपने यू नो आउटर वी पे प्लेस करूँगी और उसको ब्लेंड करूँगी। और आपको देखते रहना है कि आपकी दोनों आईज पे प्रोडक्ट इक्वली डिपॉजिट होना चाहिए। जब तक वो डिपॉजिट ना हो तब तक आप उसको ब्लेंड करते रहिए, जैसे मैं कर रही हूँ। और मैंने इसके लिए अलग ब्रश लिया है, और अब मैं एक गोल्डन ब्राउन शेड, नॉट जस्ट ब्राउन, जस्ट गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर लेके उसको अपनी आई लिड पे प्लेस करूँगी अपने फिंगर की हेल्प से। आप चाहें तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि ये बहुत ही बटरी सॉफ्ट कलर है, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं अपनी फिंगर से अप्लाई करती हूँ। और ये बहुत 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 ही अच्छे से अप्लाई हो रहा था। अब मैं इसको पूरी आई लिड पे प्लेस करूँगी, दोनों आईज पे बराबर, जैसा आप देख सकते हैं, इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर्स तक। और अब मैं एक ब्राउन शेड लूँगी, लाइक ग्रेश ब्राउन, सॉरी डार्क ग्रे कलर था ये, उसको आउटर वी पे प्लेस करूँगी, ताकि एक यू नो थोड़ा सा एक स्मोकी आउट आता है ना, एक स्मोक आउट कलर आता है, लाइक इनर कॉर्नर्स पे लाइट एंड आउटर कॉर्नर्स पे डार्क जाता है, तो बहुत ही प्रोफेशनल लुक आता है, इसलिए मैं उस कलर से ब्लेंडिंग करूँगी आउटर वी पे अपने। आप देख सकते हैं अभी भी, क्योंकि इस वाली आईज पे थोड़ा कम प्रोडक्ट था, तो मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर उसको फिर से ब्लेंड कराया है। गाइज, आप भी ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस करें, तभी आपका एक प्रोफेशनल लुक निकल कर आएगा। अब मैंने वो सेम ब्रश लेके, सेम ब्राउन शेड लेके जो मैंने ट्रांजिशन शेड यूज़ करा था, उसके साथ मैं पूरी आईज़ की ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना लगे। और अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से एक उसको जो मेरा मैस आउट हुआ होगा कॉर्नर्स पे, मैं अपने एजेस को क्लीन कर रही हूँ उसको, और फिर मैं वही डार्क ब्राउन शेड लेके जो मैंने ट्रांजिशन शेड लगाया था, उसी को मैं अपने लोअर लैशेस जो लाइन है मेरी उस पर अप्लाई करूँगी। गाइस, लोअर लैश लाइन पे आई शेडो अप्लाई करने से आपका एक बहुत ही प्यारा लुक आता है आईज़ का, आप देख सकते हैं। अब मैं लाइनर लगाऊंगी, और लाइनर मैं फेसेस कैनेडा का यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा जेट ब्लैक मैट कलर है। और मैं इस लुक में एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। गाइज, अगर आपको भी विंग लाइनर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर कि आप इजीली विंग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी, और मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का, ये मेरा बेस्ट मस्कारा है। और मस्कारा मैं दो कोट लगाऊंगी, और मैं कोई फॉल्स लैश अप्लाई नहीं करूंगी। और आप देखिएगा मेरा लुक आईज़ का कितना प्यारा, और एकदम ऐसा लगेगा जैसे मैंने फॉल्स लैशेस अप्लाई करे हैं, बट मैंने नहीं लगाए। और मस्कारा आपको अपर और लोअर दोनों लैशेस पे लगाना चाहिए। और अब आप देखिएगा मेरा विद मस्कारा और विदाउट मस्कारा आईज़, आपको बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा, सी। और अब मैंने दोनों आईज़ पे लगा लिया। अब मैं ब्रॉन्जिंग करूँगी, और वो मैं करूँगी बहामा मामा ब्रॉन्जर से, अपने चिक्स की, अपने नोज़ की, फॉरहेड की, और अपनी जॉ लाइन की।
और मैं बहुत सॉफ्ट ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ और उसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से ताकि ये बहुत ही नेचुरल दिखे, कोई हार्श लाइन ना रहे। पहले अप्लाई करके और फिर उसको राउंड राउंड स्ट्रोक से उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी और नोज़ की भी मैं कॉन्टोरिंग करूँगी अच्छे से और फिर अपने जॉ लाइन की एंड देन अपने फोरहेड की। फोरहेड की बहुत ही लाइट करी है मैंने, मैंने मेन फोकस करा है नोज़ की कॉन्टोरिंग पे क्योंकि वो शार्प दिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी प्रोफेशनल मेकअप में। अब मैं लगाऊंगी ब्लश। ब्लश मैंने शुगर कॉस्मेटिक का यूज़ करा है और ये इंडियन स्किन टोन पे बहुत 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 ही अच्छा लगता है। इंडियन स्किन टोन के ही अकॉर्डिंग ये ब्लश बनाया गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मैं हर अपने पार्टीज़ में अपने पार्टी लुक्स के लिए यही ब्लश यूज़ करती हूँ। ये एक पार्टी मेकअप लुक लाइक ब्लश है और आप भी ये ब्लश ट्राई कर सकते हैं। मैं हाइलाइटिंग करूँगी और हाइलाइटर के लिए भी मैं शुगर कॉस्मेटिक का ही हाइलाइटर यूज़ करूँगी। ये भी मेरा फेवरेट हाइलाइटर है और अब मैं आज पूरी अच्छे से हाइलाइटिंग करूँगी क्योंकि मैं एक बहुत ही हैवी मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि पार्टी मेकअप लुक है इसलिए। और आप देखिएगा मेरे फेस पर हाइलाइटिंग से कितना प्यारा ग्लो आएगा। तो मैं अपने चिक्स की जो लाइन है उसको हाईलाइट करूँगी, अपने फोरहेड को, अपने क्यूपिड्स बो को, अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ को, फोरहेड को एंड अपनी चिन को। सी गाइस, आप देख सकते हैं कितना प्यारी शाइन आ रही है, कितना प्यारा शिमर आ रहा है, कितना प्यारा ग्लो आ रहा है मेरे फेस पे। और फिर मैं अपनी आइज़ के इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी और अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी और आईज़ को हाईलाइट करने के बाद, ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के बाद आप मेरा आईज़ का पूरा लुक देख सकते हैं कितना प्यारा आ रहा है, एक प्रोफेशनल लुक आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा है। सी, आपको भी हाईलाइटिंग ऐसे ही करनी है क्योंकि हाईलाइटिंग बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी मेकअप लुक में। और अब मैं अपने मैक स्टूडियो फिक्स से अपने पूरे फेस को सेट करूँगी और फिर एक एले गर्ल का ही मेकअप फिक्सर लेकर उस पूरे मेकअप को सेट करूँगी एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करूँगी। और अब मेरा पूरा मेकअप सेट हो चुका है और मेरा पूरा मेकअप हो चुका है और अब जो बारी है वो है मेरी लिपस्टिक की। और लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक की रूबी वू और मैंने ये रूबी वू मिनी साइज़ में ली है। आप चाहें तो फुल साइज़ भी ले सकते हैं बट क्योंकि एक्सपेंसिव साइड में है इसलिए मैंने पहले मिनी लिपस्टिक ली है। और गाइज, ये एक बहुत ही प्यारा रेड शेड है इंडियन ब्राइड्स के लिए। लाइक आप कोई भी स्किन टोन के हो लेकिन अगर आपको एक परफेक्ट रेड कलर चाहिए तो आप इस लिपस्टिक को ट्राई दे सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। और गाइस, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। लाइक ये मेरे को 2 साल से चल रही है और अभी इसकी जितनी क्वांटिटी बची है मुझे लग रहा है कि मेरे 2 साल और आराम से निकल जाएंगे। आप भी प्लीज़ अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो करें, बहुत बहुत ही प्यारा शेड है और ये मैक की बेस्ट सेलर लिपस्टिक है। तो गाइस देखिए, इस लिपस्टिक को लगाते मेरा पूरा मेकअप कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कितना ज़्यादा ग्लोई लग रहा है मेरा फेस। और अब मैं लगाऊंगी बिंदी। बिंदी के लिए मैंने लोकल ब्रांड की कोई भी बिंदी यूज़ करी है, लोकल मार्केट से ली थी और मेरे फेस पे प्लेन राउंड बिंदी अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने रेड कलर की प्लेन राउंड बिंदी ली है। और अब आप देख सकते हैं मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सिंदूर लगाऊंगी। सिंदूर मैं पाउडर लगाती हूँ और मैं जब मैंने लगाया तो थोड़ा मैस हो गया था। देखिए, मैं आपको एक हैक बताती हूँ, अगर आपका भी सिंदूर ऐसे ही आपके फेस पे गिर जाता है, आपका मेकअप ख़राब हो जाता है तो आप क्या करें, आप भी ब्रश लें अपना और उससे उसको डस्ट आउट कर दें तो आपका मेकअप भी ख़राब नहीं होगा। और देखिए गाइस, मैंने ईयर रिंग्स पहन लिए हैं। अब आप मेरा फाइनल लुक देखेंगे। प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सी गाइस, दिस इज़ माय फाइनल लुक। मैंने अपना चूड़ा पहना है, साड़ी पहनी है एंड एक नॉर्मल सा बन बनाया है। अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।